ओम शांति। जदि आमे आम समाज रे केवल निज कथा चिंता न करिकरी अन्यर सुख अन्यर शांति अन्यर स्वच्छंद्य प्रति आमे जाग्रत रहंती तबे स्वतः आमे सुखी रहंती, तबे स्वतः आम वातावरण रे गोटे पॉजिटिव एनर्जी रहे। तेणु समाज टी सेतेबेले हसी उठे जितेबेले आमे समस्ते परस्पर प्रति भावनात्मक भावरे समस्ते अन्यर जणे आउ जणकर सुख दुखर भागी हुवंती, समस्ते अन्यर सुख को कदर करंती, अन्यर सम्मान को कदर करंती, तेबे जाएंगे आमे निजे सम्माननीय सुखी शांत रहिबार गोटे वातावरण आमको मिली जाए। ए सम्बन्धरे आज गोटे घटना शुणा, ये घटनाटी है जड़े व्यक्ति जे लंडन रे गोटे बहुत भल स्थान गोटे बड़ जमी किणिकी तापर गोटे बड़ आलिशान घर करते से घर आगु ही आगपटे गोटे स्विमिंग पूल थिला, आउ पछपटे गोटे लिचुर गच्छ थिला। से लिचु गच्छ जोगू ही से जमीटे किणी कारण तांका स्त्री को लिचु फल बहुत भल लगे। किछि वर्ष परे से घरर रिनोवेशन करिवार आवश्यकता पड़ला, तेणु सीए जने भल आर्किटेक्ट भल इंजीनियर ए सब खोजुथिले। किछि बंधु तांकु कहिले जदि घरटा पूर्णी थरे करिबा को जाउछ तेबे वास्तुशास्त्र आधार रे काहेकि न करिव। वास्तुशास्त्र उपरे से व्यक्तिंकर विश्वास नथिला, किंतु तेबे भी सांग माने कहुचंती करिदेले कौन असुविधा हबो एया भाविकरी सीए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञंकर खोज कले। आउ हंगकंगर जणे बेस 30 वर्षर ए वास्तुशास्त्र उपरे जे अध्यवसाय करिचंती एवं प्रसिद्धि लाभ करिचंती मास्टर काओ तांकु डकेले। मास्टर काओ आसीबार दिन निर्धार्य हला, एयरपोर्ट रु जाईकरी से निजे तांकु आणिकरी आस्तांती। रास्ता रे जेते गाड़ी तांको जिबा रास्ता रे ओवरटेक करबा को चाहन थांती से साइड हे कि तांको पास दो थांती। एमती केते बाट गल्ला परे मास्टर काओ देखिले कि प्रत्येक गाड़ी जिए तांको ओवरटेक करबा को चाहन चंती से ताको जिबा को दो छंती। मास्टर काओ पचाले आपण तो बड़ भद्र व्यक्ति, आपण प्रत्येक को आगरे जिबा पई कि चांस दौंती। एक शुणु शुणु से भद्र व्यक्ति जनक कहिले कि स्वाभाविक जी ओवरटेक करबा को चाहूची ताको सेंती किछि दरकार थिबो ना, तार किछि सेंती आवश्यक काम थिबो किंबा कोनोसी परिस्थिति थिबो, तेणु आमर तो सेंती किछि नाही, से टिके आग को गले कौन असुविधा। एक शुणिकरी से मास्टर काओ हसिले आउ प्रभावित भी हेले। किछि बाट गल्ला परे गोटे पिलाटी से स्थान रे हुए तो से व्यक्ति जनक धीरे गाड़ी चलो थांती, से गली भितर गोटे पिला दौड़ी के गाड़ी आड़ को पलि आसला। मास्टर काउंकर आखि तो बंद ही जाउतला, किंतु ये भद्र व्यक्ति सत्य जेमती से जानी चंती गाड़ी को सेमती धीर करी अटके रखिले। आउ किछि समय परे आउ गोटे पिला सेमती दौड़ दौड़ी की अकस्मात आसला। मास्टर काओ पचारे आपण कौन जानी थे कि आ पछरे आउ गोटे पिला आसीबो बोली। अवश्य स्वाभाविक, सेठू से भद्र व्यक्ति कहले स्वाभाविक ना, जणे पिला जदि दौड़ुची से पिलाटी दौड़ब केतेबेले निहाते केही ताकु दौड़ौथुबो, आ पिला माने दौड़ला बेले तांकर त किछि सुदबुद न थाए ना, तेणु करी मु अटकी जाइथिली। एक कथा देखिकिरी मास्टर काओ कहिले आपण निहाती जणे सज्जन, आपण अन्य मानकर
ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟି ଆସିବ ସେ କଥା ବି ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ବାରି ପାରିଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁହେଁ ଗପି ସପିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଅଣଓସାରିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଘର ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଏକଥା ଦେଖିକିରି ମାଷ୍ଟର କାଉଙ୍କୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଯିବା କି, ଟିକେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଏଠି ରହିଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଦରକାର କି। ମାଷ୍ଟର କାଉ କହିଲେ, ନାହିଁ ତ। ହେଲେ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି, କିଛି ପିଲା ଚଢ଼ିକିରି ଲିଚୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଡରିକିରି ଗଛରୁ ହୁଏତ କେହି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ଟିକିଏ ରହିଯିବା, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇକିରି ଯିବେ ହେରି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଷ୍ଟର କାଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବନା, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଦେଖିବା ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଏ ଘରର ବାତାବରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ଘରର କୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ହିଁ ପାରିବନି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିଚାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଆସିବନି ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତ କୋଷେ ଦୂରକୁ ପଳାଇବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।